कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और युवक सुरेंद्र नेगी के बीच मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मामला अब गर्मा गया है। सीएम धामी ने डीजीपी को पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, उनके पीआरओ और गनर के खिलाफ मुकदमा हो गया है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि सुरेंद्र नेगी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ बलवा मारपीट व गाली गलौज की धाराओं के तहत मुकदमा हुआ है। दरअसल प्रदेश में राजनीतिक माहौल उस वक्त बहुत गर्मा गया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और उनका गनर बीच सड़क पर एक युवक की पिटाई करते दिखे। वायरल वीडियो में कैबिनेट मंत्री सड़क किनारे अपने वाहन के पास खड़े होकर शिवाजी नगर निवासी युवक सुरेंद्र नेगी से बात कर रहे थे। बातचीत के बीच अचानक हाथापाई होने लगी। वीडियो में मंत्री सुरेंद्र पर थप्पड़ मारते भी दिखाई दिए हैं। इसके बाद उनका गनर भी हाथापाई करने के बाद लात घूंसे मारते हुए दिख रहा है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि हम जाम में फंसे थे, उसी समय बाइक सवार दो युवक गाड़ी के बगल में आकर गाली देने लगे। हमने उन्हें समझाया, युवक ने कॉलर पकड़कर हाथापाई कर दी। इस बीच हमारा कुर्ता फट गया, सुरक्षा कर्मी ने रोका तो उसकी वर्दी फाड़ दी गई। दूसरी तरफ सुरेंद्र नेगी ने फेसबुक पर पोस्ट कर अपने एक वीडियो में मंत्री और उसके कर्मचारियों पर बिना किसी उकसावे के हमला करने का आरोप लगाया है। एक क्लिप में नेगी ने आरोप लगाया है कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि उन्हें मंत्री और उनके लोगों ने क्यों अपशब्द कहे और उन पर क्यों हमला किया। उन्होंने कहा, हम ट्रैफिक जाम में फंस गए थे और मैं उनकी कार के पास से बिना ये जाने कि उसमें कौन बैठा है गुजर गया। मंत्री ने मुझे अपशब्द कहे और जब मैंने इसका विरोध किया तो वो और उनके लोग गाड़ी से उतरकर मुझे पीटने लगे। वहीं कांग्रेस का भी अब कहना है कि मंत्री के विरोध में प्रदर्शन होगा। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की तानाशाही चरम पर है, वो जुबानी जंग के बाद अब हाथापाई पर उतारू हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने सुरेंद्र नेगी को बेरहमी से पीटा है। यदि युवक की गलती भी थी तब भी मंत्री को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। तो आधी चीजें आप सामने आई हैं, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक माहौल बेहद गर्मा गया है।